सारी कलीसिया दुनिया भर में क्रिस्त जयंती यानी क्रिसमस की प्रतीक्षा में है। यह हम सभी क्रिस्ती भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा त्यौहार है। आज के दिन पिता ईश्वर अपने एकलौते के पुत्र को शरीर धारण कर इस धरती पर भेजते हैं ताकि जो कोई उसमें विश्वास करें वो मुक्ति पावें। जैसे संत योहन अपने सुसमाचार में लिखते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करें वो अनंत सुख पावें। सभी क्रिस्ती भाई बहन इस महत्वपूर्ण सत्य में विश्वास करते हैं कि आज से करीब 2000 साल पहले बेतलहम के गौशाला में ईश्वर का पुत्र यीशु क्रिस्त एक गौशाला में जन्म लेते हैं। और उस समय स्वर्गदूतों ने बड़े आनंद से गाया, सर्वोच्च स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। जब हम क्रिस्त जयंती मनाते हैं ईश्वर के इस प्रेम शांति आनंद और करुणा का संदेश दुनिया भर के लोगों के लिए हम देते हैं ताकि हर कोई जो ईश्वर की संतान है ईश्वर के प्रेम और शांति का अनुभव करें। कलीसिया यही संदेश दुनिया भर में देती है जब यह महत्वपूर्ण त्यौहार मनाती है, क्योंकि क्रिसमस का यह त्यौहार मानव इतिहास में एक नया मोड़ देता है और मानवीय जीवन के लिए एक नया अर्थ देता है। आज के दिन मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ, जब आप क्रिस्त जयंती यानी क्रिसमस मनाते हैं ईश्वर की याद करें, उसकी आराधना करें, विशेषकर उसके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद दें। प्रभु यीशु ने हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाया है जब उन्होंने कहा सत्य मार्ग और मैं जीवन, उसी की शिक्षा पर चलते हुए हम उनके इस अनंत जीवन को अपनावें। जो सुसमाचार है हमारे जीवन के लिए एक ज्योति है, इस ज्योति में चलते हुए पाप और बुराई के अंधकार को विशेषकर भ्रष्टाचार को दूर कर दें और हम ईश्वर के संतान बन जाएं। हम आज के दिन शांति के राजा चैनल के माध्यम से आप सबों को विशेषकर अजमेर वासियों को अजमेर धर्म प्रांत की ओर से क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं, नए साल की बधाइयां देता हूं। हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स इन द कमिंग न्यू ईयर टू यू ऑल।